सो हेलो वंस अगेन, वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। सो कैसे आप लोग? तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 मैथमेटिक्स सक्सेस। एज यू नो दैट, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको, हाँ अभी सही है। तो बच्चों, आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को, और हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पहले से ही चल रहा है और हमने इसमें 1, 2, 3 कर लिया है, तो आज के सेशन में हम करने वाले 4। तो बच्चों, एज यू नो दैट कि अगर किसी भाई बच्चे को क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में 1, 2, 3 में प्रॉब्लम हो तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहां से जाके 1, 2, 3 देख सकते हो। यहां पे हम सीधे बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, और हर वीडियो में मैं एक एक क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, और आप कहोगे तो साथ में लेकर आएंगे, बट मुझे जहाँ तक लगता है ना, ये एक एक क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि चीज़ें आपको समझने में और उसको सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो चलो बात करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द प्रोडक्ट। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और आज के सेशन में मैंने क्वेश्चन अच्छे ही रखे हैं, और एज यूजली हमारा सेशन जो होता है काफ़ी अच्छा ही होता है। ठीक है, तो बच्चे करना क्या है, अभी हम क्या करेंगे, मेरे पास गिवन है एक्स माइनस टू और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। कुछ नहीं करना, ये जो टर्म है ना इसका हमें करना है फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो x माइनस टू है, पहले इस x का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म में, फिर इस माइनस टू का मल्टीप्लाई पूरे टर्म में। तो चलिए करते हैं, तो x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, फिर ये माइनस टू है तो माइनस टू, और यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। जैसे एक बच्चे ने बोला था, सर थोड़ा सा बोल्ड लिखिए, बड़ा लिखिए, तो मैंने अब क्या है फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, जो भी कोई डाउट रहे, जो भी कोई प्रॉब्लम रहे आप बताओ मुझे, उसका सलूशन मैं करूँगा। ठीक, तो अब एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से होगा, तो बच्चों देखो एक्स के पावर यहाँ पे वन है और यहाँ पे पावर टू, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन इक्वल टू ए के पावर एम प्लस एन। ये कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे और इसको हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा एक्स के पावर थ्री प्लस, अब यहाँ देखो इसके पावर वन और इसके पावर वन, तो वन वन टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये केवल और केवल एक्स माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस, तो अंदर का सारा साइन चेंज हो जाएगा। और जब टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बाकी चीज़ में तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, बस क्या होगा नंबर चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और टू वनजा टू बस। अब जिनके एक जैसे पावर हैं यानी सेम डिग्री वाले को एक साथ रखेंगे, तो यहाँ पे एक्स क्यूब कोई है नहीं है तो एक्स क्यूब को एक्स क्यूब रहने दो, प्लस ये रहा एक्स स्क्वायर और कहीं है, बिल्कुल सर यहाँ पे है, तो माइनस टू एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स, ये माइनस टू एक्स और माइनस का टू कर दिया। अब देखो बच्चों, ये तो एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब रहेगा, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ एक बार एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस टू एक्स स्क्वायर है, मतलब टू टाइम है, तो टू में से वन जाएगा तो वन आएगा, माइनस वाला साइन बढ़ा तो माइनस का साइन आ, यहाँ भी टू एक्स में से एक्स जाएगा तो माइनस एक्स माइनस टू, और ये आपका आंसर, एज सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वाई स्क्वायर प्लस सेवन का मल्टीप्लाई करना है 3y³ प्लस 2y² प्लस y प्लस 7 में। तो सिंपली हम क्या करेंगे, पहले वाई स्क्वायर को ब्रेक करेंगे किसके साथ, 3y³ प्लस 2y² प्लस y प्लस 7 के साथ। ठीक है, अभी क्या करना, प्लस 7 को उठाना है और इसका मल्टीप्लाई करना है 3y³ प्लस 2y² प्लस y प्लस 7। ठीक है बच्चों, ओके नाउ अभी क्या करेंगे, इस y का मल्टीप्लाई करो। अब देखो फिर से फॉर्मूला, ए के पावर m इंटू ए के पावर n इक्वल टू ए के पावर m प्लस n। मैं बार बार लिखाता हूँ फॉर्मूला, उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि जितनी बार हम फॉर्मूले को रिवाइज करेंगे ना बच्चों, उतनी बार फॉर्मूला हमारे सामने आएगा, और डेफिनेटली ऐसा होगा ना कि फॉर्मूले हमें याद होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेक श्योर कि सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, और ये हेल्प करेगा आपको फॉर्मूले याद करने में। तो करते हैं, क्या दिक्कत है, तो आप देखो यहाँ वाई के पावर कितना है 2 और यहाँ वाई के पावर कितना 3, और दोनों का बेस सेम है, 3 से कोई मतलब नहीं, इस पावर पे देखो तो 3 टू 5, ये हो जाएगा 3 वाई के पावर 5 प्लस
टू का तो टू आ जाएगा, टू टू कितना हो गया फोर, तो y के पावर फोर प्लस y के पावर टू और y के पावर यहाँ पे वन, जब कुछ नहीं रहता तो वन रहता है, तो टू और वन थ्री, तो y के पावर थ्री प्लस सेवन वाई। चलो भैया अब सेवन का मल्टीप्लाई करो, तो सेवन थ्री ज़ा ट्वेंटी वन वाई क्यूब प्लस सेवन टू ज़ा फोर्टीन वाई स्क्वायर और प्लस सेवन वाई और प्लस सेवन सेवन ज़ा फोर्टी नाइन, बस इतना हो गया ना। अब एक जैसे पावर को एक साथ रखेंगे, तो यहाँ देखो यहाँ फाइव है, तो फाइव तो कोई है नहीं, तो इसको अकेले रहने देते हैं, प्लस टू वाई के पावर फोर, और कहीं पे फोर है नहीं है तो रख दो इसको, y के पावर थ्री और कहीं थ्री है बिल्कुल यहाँ पे है, तो प्लस ट्वेंटी वन वाई के पावर थ्री प्लस यहाँ पे फोर्टीन वाई स्क्वायर है, तो फोर्टीन वाई स्क्वायर और कहीं स्क्वायर नहीं है, कोई बात नहीं, अब सिंगल y, तो यहाँ से सेवन वाई यहाँ वाला और यहाँ से भी सेवन वाई और प्लस का फोर्टी नाइन, हो गया बच्चों। तो अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा थ्री वाई के पावर फाइव प्लस टू वाई के पावर फोर प्लस वाई के पावर थ्री, अच्छा यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएगा, ट्वेंटी वन और वन हो जाएगा ट्वेंटी टू, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ट्वेंटी वन यहाँ पे है और वन यहाँ पे है, तो ट्वेंटी वन और वन ट्वेंटी टू वाई क्यूब प्लस फोर्टीन वाई स्क्वायर, यहाँ सेवन वाई ये आ जाएगा आपका फोर्टीन वाई और प्लस का फोर्टी नाइन, और ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, देखा क्वेश्चन टफ नहीं है, बहुत इजी है, बट कैसे करना है ये आपको जानना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बच्चों। अब यहाँ देखो, यहाँ पे थ्री टर्म्स पूरे दिन है, इसमें भी थ्री टर्म्स है, इसमें भी थ्री टर्म्स है, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे वैसे ही। क्या करेंगे हम पहले उठाएंगे ए स्क्वायर को और ए स्क्वायर का इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या ये टर्म है, ये टर्म है ए स्क्वायर प्लस थ्री ए माइनस सिक्स। अब माइनस टू ए का मल्टीप्लाई फिर से इस पूरे टर्म में ए स्क्वायर प्लस थ्री ए माइनस सिक्स और फिर से प्लस फोर का इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस थ्री ए माइनस सिक्स, बस काम खत्म बच्चों। अब चलिए तो यहाँ देखिए फिर से वही पावर, फिर से फॉर्मूला ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन, ये क्या हो जाएगा ए के पावर एम प्लस एन। बच्चों मैथ्स में फॉर्मूला हमेशा लिखते रहो, जितनी बार मन करो उतनी बार लिखो। ये क्या हो जाएगा टू टू फोर, तो ए के पावर में सीधे यहाँ फोर करता हूँ प्लस ये हो जाएगा थ्री ए, यहाँ पे वन यहाँ पे टू, तो मतलब थ्री हो गया और ये माइनस सिक्स ए स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहाँ पे माइनस है और अगर यहाँ पे माइनस है तो अब सारा साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस टू ए टू और वन थ्री, माइनस प्लस माइनस थ्री टू ज़ा सिक्स ए स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व ए प्लस। अब फोर का मल्टीप्लाई करना तो इजी है, फोर ए स्क्वायर प्लस ट्वेल्व ए माइनस सिक्स फोर ज़ा ट्वेंटी फोर। अभी देखो ए के पावर फोर तो रहेगा प्लस थ्री ए क्यूब, एक यहाँ पे और क्यूब कहाँ पे ये रहा, माइनस टू ए क्यूब और क्यूब कहाँ पे है और कहीं पे क्यूब नहीं। चलो अब स्क्वायर की बात करते हैं, तो माइनस सिक्स ए स्क्वायर, सिक्स ए स्क्वायर दूसरा माइनस सिक्स ए स्क्वायर और प्लस फोर ए स्क्वायर, हो गया। अभी क्या करेंगे बिना स्क्वायर का, तो इधर सब कुछ हो गया है, यहाँ बचा है प्लस ट्वेल्व ए प्लस ट्वेल्व ए यहाँ भी और यहाँ भी और माइनस ट्वेंटी फोर। ठीक है, तो ये तो ए के पावर फोर हो गया, यहाँ पे देखो थ्री ए क्यूब में से टू ए क्यूब जाएगा तो प्लस ए क्यूब बचेगा, यहाँ पे माइनस माइनस ट्वेल्व हो गया, ट्वेल्व में से फोर जाएगा तो एट आएगा, तो माइनस एट ए स्क्वायर और यहाँ पे ट्वेल्व ट्वेल्व ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेंटी फोर ए और माइनस ट्वेंटी फोर, बस हो गया आपका आंसर। बोले ना है क्वेश्चन इजी, बस आपको ध्यान से क्वेश्चन करना है। चलो बच्चे अगला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे गिवन है एट पी स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर पी का मल्टीप्लाई करना है पी क्यू प्लस पी स्क्वायर प्लस पी, तो चलो करते हैं हम एट पी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे
पी क्यू प्लस पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 24 पी का हम मल्टीप्लाई करेंगे पी क्यू प्लस पी स्क्वायर प्लस पी में। बहुत ईजी है बच्चों, कुछ नहीं करना है इसमें। 8p² देखो यहाँ पे p के पावर 2, p के पावर 3, 3 और 2 5, तो ये हो जाएगा 8p के पावर 5 प्लस 8p के पावर 2 2 4 प्लस 8p के पावर यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 24p के पावर 3 और 1 4 प्लस 24p के पावर 2 और 1 3 प्लस 24p 112। बस हो गया बच्चों। अब जो जैसे कर दो 8p के पावर 5 प्लस 8p के पावर 4 एक यहाँ पे और कहीं पे है, हाँ सर यहाँ पे है, प्लस 24p टू द पावर 4। ओके अब क्या है 8p टू द पावर 3 यहाँ पे है और यहाँ भी है आपका कितना 24p टू द पावर 3 प्लस और क्या बचा 24p टू द पावर 2। ओके तो जो ऐड हो रहा है ऐड कर दो 8p टू द पावर 5 प्लस 8p टू द पावर 4। अच्छा इस ये तो ऐड हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा हमारा ऐड हो जाएगा, तो क्योंकि दोनों का पावर 4 है तो 24 है 24 6 32 पी टू द पावर 4 प्लस सेम चीज़ यहाँ पे भी है 24 6 30 30 और 2 32 हो गया 32 पी टू द पावर 3 और 24p² एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो और इजी है, थोड़ा सा कुछ चेंजेस किया जाए देखा जाए ये चलता है कि नहीं चल रहा है। तो अभी क्या करेंगे हम 4x का मल्टीप्लाई करेंगे 9x² माइनस 6x प्लस 1 में और माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9x² माइनस 6 प्लस 1 में। चलो बच्चों करते हैं तो 4 9, अच्छा एक और बढ़ा देते एक लाइन, क्या दिक्कत है, 4x (9x² माइनस 4x (6x) प्लस 4x(1). अब देखो बच्चों ब्रैकेट के बाहर माइनस, जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 (9x² माइनस माइनस प्लस 3 (6x) और माइनस 3 (1). ठीक है तो ये कितना हो गया 4 9 36 x के पावर 3 माइनस 6 4 24 x² प्लस 4x माइनस 9 3 27 x² प्लस 6 3 18 x और माइनस 3 1 3। इतना चीज हो गया हमारा। ठीक है अभी क्या करेंगे बच्चों, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, यानी जो जैसे ऐड हो रहा है उसको ऐड कर दो, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 36x³ माइनस 24x² यहाँ पे है और यहाँ भी है आपका माइनस 27x² प्लस 4x है और यहाँ पे प्लस 18x है माइनस का 3। अब जिनका पावर एक जैसा है उनको ऐड कर देते हैं, तो 36x³ यहाँ देखो माइनस 24 माइनस 27 तो कितना हो गया 7 4 11 का 1 2 2 4 1 5 51, वो भी किस में माइनस में, प्लस ये ऐड हो जाएगा 22x माइनस का 3 और ये क्या आ गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आ जाओ आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3a² b माइनस 2b प्लस 3c का मल्टीप्लाई करना है 12a² b प्लस 3c माइनस 2d से, तो चलो यहाँ पे कुछ ज़्यादा बोल्ड हो गया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेते हैं 3a² b का मल्टीप्लाई हम कर देते हैं बच्चों किसमें 12a² b प्लस 3c माइनस 2d में,
उसके बाद माइनस टू बी का मल्टीप्लाई फिर से इस पूरे टर्म में 12a² b प्लस 3c माइनस 2d और फिर से प्लस 3c का मल्टीप्लाई फिर से हम 12a² b प्लस 3c माइनस 2d में कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई का टर्म चल रहा है तो हमने इसको इतना कर दिया। अब देखो, अब सीधे सीधे मल्टीप्लाई करो, 3 12 जा, अच्छा एक लाइन बढ़ाते हैं, चलो बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा जाएगा कोई दिक्कत नहीं। हम इसको 3a² b मल्टीप्लाई बाय 12a² b प्लस 3a² b इंटू 3c माइनस 3a² b इंटू 2d कर दिया, सब में मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखना बच्चों, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन क्या होगा, चेंज होगा, अंदर का साइन क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, 3c, ठीक है, माइनस 2b का मल्टीप्लाई हम करेंगे 12a² b से, तो यहाँ प्लस है, बाहर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 2b का मल्टीप्लाई होगा 3c से, और माइनस माइनस प्लस, 2b का मल्टीप्लाई होगा 2d से। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस 3c मल्टीप्लाई बाय 12a² b प्लस 3c मल्टीप्लाई बाय 3c प्लस 3c, अच्छा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करें, माइनस 3c मल्टीप्लाई बाय 2d, बस कर दो। अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये 12 3 जा 36, a के पावर 2 मतलब a के पावर हो जाएगा 4, b के पावर 1 मतलब b के पावर 2 प्लस 3 3 जा 9 a² bc माइनस 3 2 जा 6 a² bd माइनस 12 2 जा 24 a² b² माइनस 3 2 जा 6 bc प्लस 2 2 जा 4 bd प्लस 12 3 जा 36 a² bc और फिर ये 3 3 जा प्लस 3 3 जा 9 c² और माइनस का 3 2 जा 6 cd। अब ये चेक करना है कि एक जैसे कहीं पे है क्या, चेक करो। देखो अगर एक जैसे चेक करोगे तो यहाँ पे a² bd है, यहाँ a² b² है, 6 bc है प्लस 4 bd है, a² bc a² bc, हाँ देखो यहाँ पे एक चीज़ मिल रहा है, यहाँ पे 36 a² bc 9 a² bc एक चीज़ मिला है अभी तक में। ठीक है, और कुछ कहीं मिल रहा है, ये a² bd है, ये a² b² है, नहीं है, ठीक, और कुछ नहीं मिल रहा है, तो जो मिल रहा है उसको ऐड कर देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये जाएगा 36 a² 4 b² प्लस 9 और 36 ऐड करें कितना आ जाएगा, ये जाएगा 45 a² bc, इसको और इसको, ये दोनों टर्म को हमने जोड़ दिया, कितना आ गया 45 a² bc हो गया। अब क्या बचा, जो बचा लिख दो, 9 6a² bd माइनस 24 a² b² माइनस 6 bc प्लस 4 bd, bc कहीं नहीं, हाँ प्लस 9c² माइनस 6 cd, और यही क्या होगा बच्चे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। इसमें और कुछ आपको सोचने की जरूरत ही नहीं, इसको ऐसे जैसे क्वेश्चन मिलते जाए क्वेश्चन करते चलो जाओ, बिल्कुल कहीं नहीं सोचना है कि सर यहाँ पे क्या करें क्या ना करें। आपको लग रहा है सर इतना बड़ा आंसर पॉसिबल है, ठीक है, इतना बड़ा आंसर बच्चे पॉसिबल है, इसके लिए परेशानी होना रही सर कैसे आगे आएगा बच्चे। तो चलिए बस आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन आएगा हम सीधे सीधे बात करें क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 पे, नहीं 5, 6 बात करें, 7 अगले वीडियो में। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, और बहुत जल्द साइंस के भी छोटे छोटे वीडियोज़ मैं लेकर आऊँगा जो कॉन्सेप्ट वाइज रहेंगे, आपके कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करने वाले रहेंगे। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद मेरे बच्चों, वीडियो को लाइक शेयर करना जरूर
याद रहे, भूलना नहीं। बाय बाय बच्चों।